जिला कांग्रेस ओबीसी विभाग की एक महत्वपूर्ण बैठक सोमवार को हमीरपुर में आयोजित की गई। इस बैठक में विशेष रूप से हिमाचल कांग्रेस ओबीसी विभाग के राज्य अध्यक्ष दिलावर सिंह चौधरी विशेष रूप से शामिल हुए। हमीरपुर पहुंचने पर पार्टी नेताओं तथा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस बैठक में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राजेन्द्र जार, हिमाचल कांग्रेस ओबीसी विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहित चौधरी तथा जिला कांग्रेस ओबीसी विभाग के अध्यक्ष ताराचंद चौधरी मौजूद रहे। बैठक में महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा भी की गई। जिला और राज्य के पदाधिकारियों ने इस बैठक में अपने विचार भी रखे। राज्य अध्यक्ष दिलावर सिंह चौधरी ने कहा कि पार्टी हाईकमान के आदेशों के बाद वे हर जिला में जाकर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। इसी कड़ी में पिछले दिनों उन्होंने बिलासपुर में कार्यकर्ताओं से बैठक की थी और सोमवार को आज वे हमीरपुर में कार्यकर्ताओं से मिलने पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर हिमाचल में आगामी विधानसभा चुनावों के बाद कांग्रेस पार्टी सत्ता में आने वाली है। उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत करने के लिए आगामी दिनों में काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार का दावा भाजपा की तरफ से किया जाता है। हालत ऐसे में लोग महंगाई से त्रस्त हैं। प्रदेश में सड़कों की हालत बदतर है, रास्तों की हालत खस्ता हो चुकी है और पिछले चार सालों में प्रदेश पिछड़ता गया है। उन्होंने कहा कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के गृह जिला बिलासपुर में भी यही हालात उन्होंने देखने को मिले हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार की कथनी और करनी में अंतर है, जिसके कारण लोग अब पिस रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल की गठन कर रही है और ब्लॉक लेवल में भी आके हम काम कर रहे हैं। अब हमारा काम वो बूथ लेवल उसी संगठन के बारे में चर्चा थी और उसमें जो जो सरकार जो बैठी हुई है यहाँ पर देश में और प्रदेश में डबल इंजन की, उसके थोड़ा काम कर रही है वो लोगों के बिल्कुल विरोधी है। चाहे हर वर्ग के साथ एक निराशा है, चाहे ओबीसी है, एससी है, चाहे हमारा जनरल है और किसी कोई भी जो है उसके साथ उन्होंने एक बहुत बड़ा बर्ताव कि महंगाई किस समय सीमा पे भी बढ़ रही है, आज पेट्रोल और डीजल का क्या रेट है, रसोई गैस का क्या रेट है, आज विकास के नाम पे जो बड़े बड़े दावे करने वाले लोग हैं वो धरातल पे आके देखिए कि विकास काम की चीज़ क्या है। मैं पूरे प्रदेश का अभी तक मेरा चौथा जिला है जहाँ पर जब मैं पहुँचा हूँ तो चौथे जिले में मैं देखता हूँ कि सड़कें जो हैं वो इतनी बुरी हालत है सड़कों की कि सड़कें खड्डे बन गई हैं। तो जो मुख्यमंत्री जब प्रदेश में उन्होंने बागडोर मारी थी और बड़े बड़े दावे करते थे कि प्रदेश को हम आगे लेके जाएंगे और प्रदेश में एक समान विकास होगा, तो मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि जो आपके भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी विधानसभा क्षेत्र ही मेरा कार्यक्रम था जो आज कल मैं करके आया हूं, आदरणीय जेपी नड्डा जी, तो उन्हीं के विधानसभा क्षेत्र की सड़कें जो ऐसी इतनी बुरी हालत है, टूटी फूटी हैं, तो बाकी आम जगहों के आम विधानसभा क्षेत्रों का क्या हाल होगा।